फुटपाथ पर बितानी पड़ रही पाकिस्तान के कप्तान कुराट। अपने चहेते बाबर आजम की तस्वीरें देख फैंस के निकले आंसू। बाबर के बड़प्पन ने बड़े बड़ों का जीता दिल। आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, लेकिन उनकी हालिया तस्वीर फैंस के दिल को छू रही है। बाबर ने LPL की अपनी फ्रेंचाइजी कोलंबो स्ट्राइकर्स को साफ तौर पर इनकार कर दिया है, इसकी वजह से दुनिया भर में आज उनकी चर्चा हो रही है। एक बैटिंग कंपनी, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम ने ये स्टैंड लिया और ये चीज कह दी कि मैं किसी भी बैटिंग कंपनी का लोगो अपनी जर्सी के ऊपर नहीं लगाने वाला हूँ। किसकी जा रही है, लोग इनके स्टैंड को लेकर के इनकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की रणनीति दुनिया को पता चली। भारत को हराने का पाकिस्तान का प्लान अचानक हो गया लीक। वर्ल्ड कप में भारत को रौंदने के लिए 91 दिन पहले ही तैयारी में जुटा पाकिस्तान। शाहीन बाबर ने मचाया कोहराम, वीडियो देख खौफ में टीम इंडिया। जिनमें सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर टीम इंडिया में हलचल मच सकती है। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम फुल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। आजकल भारतीय मीडिया में बाबर आजम के चर्चे हो रहे हैं। बाबर आजम ने हज से आते ही बल्ला थाम लिया है, और जैसे कि आपने पिछले देखा था कि जो तस्वीरें वायरल हुई थी, बाबर आजम फुटपाथ पर सो रहे थे हज में। इसके अलावा बाबर आजम ने LPL में जुए की जो कंपनी है उसको इंसाफ इनकार कर दिया है लोगो लगाने से। और दोस्तों, पाकिस्तान की टीम जो प्रैक्टिस कर रही है, इसमें भारतीय मीडिया खौफज़दा है। तो इन तमाम सूरत हाल पर दोस्तों हम चलेंगे वीडियो की जानिब जल्दी से। वीडियो फुटपाथ पर बितानी पड़ रही पाकिस्तान के कप्तान कुराट। अपने चहेते बाबर आजम की तस्वीरें देख फैंस के निकले आंसू। बाबर के बड़प्पन ने बड़े बड़ों का जीता दिल। आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को मौजूदा दौर का बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस अक्सर उनकी तुलना विराट कोहली से करते हैं। खैर, ये दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से बेहद अलग हैं और बेहतरीन हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की हाल ही में आई एक तस्वीर ने फैंस को रुला दिया। ऐसे दिन आ गए हैं कि उन्हें फुटपाथ पर सोकर गुजारा करना पड़ रहा है। क्या है वायरल तस्वीर से जुड़ा पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दरअसल बाबर आजम की वायरल तस्वीर का सच कुछ और ही है। अब बाबर की और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। दरअसल वायरल हो रही तस्वीर में वो जमीन पर लेटे या सोए हुए हैं। यूं तो उनका नाम पाकिस्तान के सबसे बड़े और रईस क्रिकेटर्स में आता है, लेकिन उनकी हालिया तस्वीर फैंस के दिल को छू रही है। परफॉर्मेंस और खेल से तर बाबर आजम की दिल छू लेने वाली इस तस्वीर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको भी इस वायरल तस्वीर ने छुआ है? आप भी क्या बाबर आजम की सादगी के कायल हुए? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को शेयर कर हमें बता सकते हैं। बाबर आजम लंबे समय से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उन्हें 2019 में पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया था। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान 2021 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2022 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारी है। हज यात्रा पर ही बाबर आजम ने अपने बाल कटवाए, क्योंकि हर हाजी बाल कटवाता है। ये लुक वायरल हो रहा है। हज से लौटे बाबर आजम क्रिकेट लीग खेलने के लिए श्रीलंका जाने वाले। बाबर 30 जुलाई से 22 अगस्त तक होने वाले LPL में कोलंबो स्ट्राइकर्स की अगुवाई करेंगे। खंड सुनकर दुनिया रह गई दंग। स्पॉट फिक्सिंग के लिए बदनाम देश का क्रिकेटर कर रहा महा आडंबर। वर्ल्ड कप से पहले हज यात्रा, बाबर आजम ने वहां क्या मांगी दुआ? हज से लौटने के बाद बाबर का नया ऐलान, साथी क्रिकेटर भी हैरान। टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से दुनिया भर में आज उनकी चर्चा हो रही है। तूफानी रफ्तार में बल्लेबाजी के लिए मशहूर बाबर आजम का, हज से लौटे बाबर ने लंका प्रीमियर लीग यानी LPL में खेलने के लिए एक बड़ी शर्त रखी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आगामी लंका प्रीमियर लीग यानी LPL के दौरान सट्टेबाजी कंपनी के लोगो वाली पोशाक पहनने और प्रचार करने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर पाकिस्तानी खिलाड़ी फ्रेंचाइजी मालिकों और लीग आयोजकों से कह रहे हैं कि वो किसी सट्टेबाजी कंपनी के लोगो वाली पोशाक नहीं पहनना चाहते और न ही उनका प्रचार करना चाहते। इस सूत्र के अनुसार बाबर ने LPL की अपनी फ्रेंचाइजी कोलंबो स्ट्राइकर्स को साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बाबर आजम जबरदस्त फॉर्म में, श्रीलंका में उनकी डिमांड है, लोग उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं। यही वजह है कि श्रीलंका में उन्हें खिलवाया जा रहा है। सट्टेबाजी कंपनी लंका प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद बाबर आजम सरीके कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी उससे दूरी बना रहे हैं। वर्ल्ड कप में भारत को रौंदने के लिए 91 दिन पहले ही तैयारी में जुटा पाकिस्तान। शाहीन बाबर ने मचाया कोहराम, वीडियो देख खौफ में टीम इंडिया। इस बीच PCB ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शाहीन शाह अफरीदी से लेकर बाबर रिजवान तक सभी की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए।
इनमें सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की रणनीति दुनिया को पता चली। भारत को हराने का पाकिस्तान का प्लान अचानक हो गया लीक। 15 खिलाड़ियों की फौज तैयार कर पाकिस्तान ने चुन ली अपनी टीम। वर्ल्ड कप के महामुकाबले से पहले महाप्लान पर सबसे चौंकाने वाली खबर कि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप में भारत को हराने के लिए पाकिस्तान अपनी सबसे बेस्ट टीम उतारने का प्लान बना चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 ऐसे खिलाड़ियों को जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया जो भारत को हराने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। इस महामुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिसे देखकर टीम इंडिया में हलचल मच सकती है। इस साल वनडे वर्ल्ड कप है, इसके लिए पाकिस्तान समेत सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सभी खिलाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रैक्टिस में देखा जा सकता है कि मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी समेत कई खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। साथ ही वो करीब 4 महीने बाद भारत के साथ होने वाले मैच को लेकर पसीना बहा रहे हैं। इसके अलावा पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में शाहीन गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस दौरान शाहीन 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शाहीन की गेंदबाजी वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी अच्छी है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी किसी भी बल्लेबाज को चौंका कर पवेलियन भेजने की क्षमता रखते हैं। शाहीन ने वर्ल्ड कप से पहले ही अपनी खतरनाक फॉर्म का संकेत दे दिया। ऐसे में वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शाहीन अफरीदी के लिए भारत को अलग तरह से सोचना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी महीने श्रीलंका दौरे पर जाएगी। आपको बता दें कि बाबर आजम की टीम 9 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी और 11 जुलाई को 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम अपने गेम को लेकर के तो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन इस बार वो एक अलग रीजन को लेकर खबरों में आ गए हैं और वो रीजन है सट्टेबाजी के खिलाफ उनका स्टैंड। बाबर आजम ने बैटिंग कंपनीज के खिलाफ अपना स्टैंड लिया है, जिसको लेकर के लगातार उनकी चर्चा की जा रही है। क्या है पूरा मसला, शुरुआत से आपको बताते हैं। दरअसल 30 जुलाई से लंका प्रीमियर लीग की शुरुआत होने वाली है, जहां पर कोलंबो स्ट्राइकर्स को लीड करने वाले हैं बाबर आजम। अब हम जैसा कि हम देखते हैं कि लीग क्रिकेट में हर एक टीम के स्पॉन्सर होते हैं कई, और उन स्पॉन्सर्स का लोगो जर्सी के ऊपर लगा हुआ होता है। वैसे ही कोलंबो स्ट्राइकर्स का भी एक स्पॉन्सर था, एक बैटिंग कंपनी, लेकिन यहां पर बाबर आजम ने ये स्टैंड लिया और ये चीज कह दी कि मैं किसी भी बैटिंग कंपनी का लोगो अपनी जर्सी के ऊपर नहीं लगाने वाला हूं। किसी भी बैटिंग कंपनी को मैं बढ़ावा नहीं दे सकता, सट्टेबाजी को मैं किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर सकता, और जर्सी के ऊपर वो लोगो लगाने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है कोलंबो स्ट्राइकर्स के साथ, उसमें भी उन्होंने ये चीज मेंशन की थी कि मैं किसी भी बैटिंग कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा, उसका लोगो अपनी जर्सी के ऊपर नहीं लगाऊंगा। और उनकी ये बात उनकी फ्रेंचाइजी ने मान भी ली है, यानी कि बाबर आजम अपनी जर्सी के ऊपर अब ये लोगो लगाते हुए दिखाई आपको नहीं देने वाले हैं। उन्होंने जो स्टैंड लिया है सट्टेबाजी के खिलाफ, बैटिंग कंपनीज के खिलाफ, इसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा की जा रही है। लोग उनके स्टैंड को लेकर के इनकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। वहीं बात करते चले हैं बाबर आजम की, तो फिलहाल वो हद से लौटे हैं। और लंका प्रीमियर लीग से पहले पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। जल्द ही उसकी तैयारी में बाबर आजम लगने वाले हैं। आपको बताते चले कि कराची में कुछ दिनों के बाद वो प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देंगे, वहां पर प्रैक्टिस करते हुए बाबर आजम नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की एक ODI सीरीज भी हो सकती है, जिसके चलते लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम पार्शियली पार्टिसिपेट करते नजर आने वाले हैं। देखना होगा लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम क्या कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी चर्चा की जा रही है उनके इस डिसीजन को लेकर। बैटिंग कंपनी के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया है, उसको लेकर के लगातार चर्चा में बाबर आजम है। उनके इस डिसीजन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे वो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।